युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जनता के खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका अभी समय होना चाहिए, काम होना चाहिए कैसे पैसों का सदुपयोग हो और गरीबों की कोविड में इलाज ठीक हो, लोगों को जो रोजगार की व्यवस्था नहीं उनके प्रति कैसे हम लोग करें, कैसे हमारी जो इकोनॉमिक गर्त में जा रही है उसके प्रति काम करें, पर सरकार में बैठे मुख्यमंत्री बगैर संजीदा हुए सिर्फ उपचुनाव के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की सभाएं करने के लिए 9 से 14 तक उन चुनावी क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये बड़ा दुखद पहलू है कि जिस पैसे का उपयोग जनता के लिए होना चाहिए उसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी जनता संकट में है, मध्य प्रदेश संकट में है, किसान प्रताड़ित है, गरीब परेशान है, आम व्यक्ति प्रताड़ित है, उन्हें राहत दें, ना कि झूठी घोषणाएं करने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करें। ये एक निंदनीय कृत्य है और सरकारी खजाने के ऊपर अपनी पार्टी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं और मुझे आग्रह है कि इस तरह की चीजें बंद करके कहीं ना कहीं जनता को राहत।